हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं आपके तो अब बात करते हैं आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फ्यूज यानी आपके क्लास ट्वेल्थ का पहला चैप्टर। ठीक है, तो बच्चों आप यहाँ पे सबसे पहली बात है, सबसे स्टार्ट करते हैं कि चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है? सबसे मेन चीज़ है चार्ज। बस एक चीज़ बेसिकली समझाते हैं, समझिए। देखें, अगर कोई मान लीजिए हम मैग्नेट को पढ़ा होगा, मैग्नेट पहले ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो इन दोनों के बीच बेटा मोहब्बत हो गया, दुश्मनी होगी तो आप बोलोगे मोहब्बत होगी यानी प्यार होगी, क्योंकि अनलाइक चार्ज है। कैसे चार्ज है? ये अनलाइक चार्ज है। और अनलाइक चार्ज हमेशा क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में क्या देखने को मिलेगा? अट्रैक्शन फोर्स। क्या मिलेगा? अट्रैक्शन फोर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना कि अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं, जो पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें या नेगेटिव पॉजिटिव की बात करें, वो क्या होते हैं आपके अनलाइक चार्जेस होते हैं, जो कि फोर्स अट्रैक्शन फोर्स देखने को मिलेगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि नॉर्थ इन दोनों के बीच में मोहब्बत हो गया, प्यार होगा, तो आप बोलोगे सर इसमें दुश्मनी होगी। तो इसमें क्या है, ये लाइक चार्जेस है। क्या है? लाइक चार्जेस है। और लाइक चार्जेस हमेशा कैसा फोर्स देखने को मिलेगा इनमें? रिपल्सन फोर्स। कैसा देखने का फोर्स मिलेगा? रिपल्सन फोर्स। ठीक है, यानी चार्ज के बारे में बताना चाहें तो हम चार्ज कह सकते हैं कि किसी भी पार्टिकल या किसी भी एटम की कोई ऐसी फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जिसके अंदर अट्रैक्शन फोर्स एंड रिपल्सन फोर्स दोनों फोर्स देखने को मिलते हैं, वो चार्ज कह सकते हैं। यानी किसी भी पार्टिकल की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जिसके अंदर अट्रैक्शन फोर्स एंड रिपल्सन फोर्स दोनों देखने को मिलते हैं, वो क्या होता है? आपका चार्ज होता है। क्लियर बेटा? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं चार्ज के बारे में? ठीक है, अच्छा, चार्ज में ये तो पता पड़ गया कि भाई अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स होता है, ये बात सही है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब इसके बाद में देखें, यहाँ पर हम करना चाहें तो यहाँ से आगे देखें, समझे। देखें, अगर यहाँ मैं बात करूँ, यहाँ सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे अनलाइक चार्ज, अगर अनलाइक चार्ज आपको बता चुका हूँ, लाइक चार्जेस में होते तो माइनस कॉमा माइनस, ऐसे मैं कहूँ प्लस कॉमा प्लस, ये लाइक चार्जेस होते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर एटम है और छोटा सा एक उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस। ये क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर हम जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है पॉजिटिव और एक न्यूट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन उसके क्या लगाते हैं? चार तरफ चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब इस तरह हम पढ़ाए तो अब एक चीज वैल्यू के बारे में पढ़े तो वैल्यू क्या होती है तो समझे। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की वैल्यू की बात करूँ तो आप इलेक्ट्रॉन पर वैल्यू बोलोगे 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। क्लियर यहाँ तक? अगर मैं प्रोटॉन की बात करूँ तो प्रोटॉन पे आप बोलोगे 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। बस चेंज इतना है कि इलेक्ट्रॉन में माइनस आ जाता है और प्रोटॉन में प्लस आ जाता है, ये इसकी वैल्यू की बात हो गई। ठीक है, अगर बहुत कभी कभी यहाँ पे मास की बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखें 1.67 × 10⁻²⁷ केजी, ये आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मास ऑफ प्रोटॉन की बात करूँ तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है मेरा 9.1 × 10⁻³⁹ केजी, ये आपका मास ऑफ प्रोटॉन। अब पिछले टर्म फर्स्ट में जो आपके एमसीक्यू बेस रहा था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जरा बताओगे मुझे बच्चों सभी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें से कौन सा सही है? कमेंट सेक्शन में बताइए। इसमें देखा जाए तो, अब देखा जाए तो आप इसमें डिवाइड करके देख लीजिए, सॉल्व करके देखें तो ये चीज गलत है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी बड़ा नहीं होगा मास ऑफ प्रोटॉन से, हमेशा मास ऑफ प्रोटॉन बड़ा होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये आपके एमसीक्यू में एक क्वेश्चन में आता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको कोई भी चार्जेस के बारे में? यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया, चार्ज की कोई भी एक कोई सी भी एटम की इंटेंसिव प्रॉपर्टी जिसमें अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स देखने को मिले, वो क्या होता है? चार्ज होता है बेटा। अब इसमें बात कर रहे हैं कि चार्ज के अंदर अगर किसी भी एटम में एक पर्टिकुलर एटम ले लें उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की क्या लगाते हैं? चक्कर। अगर वैल्यू की बात करो तो इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है और प्रोटॉन पर इतना चार्ज होता है। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो 1.67 × 10⁻²⁷ केजी होते हैं और मास ऑफ प्रोटॉन की बात करूँ तो 9.1 × 10⁻³⁹ केजी होते हैं। यहाँ तक क्लियर? क्लियर हमें यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए और मैं आगे चलता हूँ, यहाँ से देखते हैं। ठीक है बेटा,
ये तो रहा आपके चार्ज के बारे में, चार्ज के बारे में ठीक है। इसके बाद देखें आगे, यहां तक हमारा होने के बाद अब यहां से समझें, यहां से सबसे पहले आना तो हमने चार्ज के बारे में पढ़ लिया। चार्ज के ऐसा यूनिट क्या होती है, चार्ज की ऐसा यूनिट आप जानते हैं कूलम होते हैं, उसे हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं। देखें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज यानी चार्ज की प्रॉपर्टीज में बात करेंगे। तो सबसे चार्ज की पहली प्रॉपर्टीज आपकी पहली प्रॉपर्टीज होती है एडिटिव, एडिटिव नेचर, एडिटिव नेचर, एडिटिव नेचर। मतलब ये है कि कोई बॉडी है मेरे पास और उस बॉडी में मान लो प्लस के 10 कूलम, माइनस के 5 कूलम और माइनस 6 कूलम है पॉजिटिव, ठीक है। मैं कहूँ इसका टोटल नेट चार्ज कितना होगा, टोटल नेट चार्ज तो आप बोलेंगे 10 + 6, 10 + 6 माइनस के 5, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है माइनस, तो 10 और 6 16 में से 5 गया तो कितना बचा, 16 में से 5 गया तो कितना बचा 11 बचा, 11 कूलम। तो यहाँ ध्यान रखना कि आपका एडिटिव नेचर क्या कहता है, किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, टोटल नेट चार्ज होगा। आप पॉजिटिव पॉजिटिव एक तरफ, नेगेटिव को सबट्रैक्ट करके यानी टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। एडिटिव नेचर समझ गया। अगर मैं कहूँ कोई तीन बॉडीज हैं, तीन बॉडीज को एक दूसरे से मिला दिया जाए, मान लो 10 इस पर 10 है, इस पर 5 है और इस पर माइनस के 6 है बेटा, अगर मैं पूछूं कि इसका टोटल नेट चार्ज कितना होगा, बताइए जल्दी नेट चार्ज कितना होगा, इस पर कितना होगा नेट चार्ज, तो देखें इस पर नेट चार्ज जो होगा तो 10 + 5 - 6, तो टोटल नेट चार्ज जो होगा मेरा वो 15 में से 6 गया कितना बचा 9, कितना 9 होगा। एडिटिव नेचर क्लियर हो गया, किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा उसका जो सम होगा टोटल नेट होगा, नेट चार्ज होगा वही इसका क्या होगा एडिटिव नेचर। इसके बाद नेक्स्ट आगे बात करते हैं, इसे मैं रद्द करता हूँ, क्लियर, यहाँ तक मुझसे क्लियर, क्लियर। अब देखें सेकेंड प्रॉपर्टी है कंजर्वेटिव चार्ज। या कंजर्वेटिव चार्ज होता है, कंजर्वेटिव चार्ज होता है, या कंजर्वेटिव चार्ज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखें कंजर्वेटिव चार्ज में यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें कि कोई बॉडी मान लीजिए कि मैंने मान लिया कि कोई भी सिस्टम मेरे पास एक बॉडी है, मान लो चलो छोड़ मैं समझा देता हूँ कि कोई दो बॉडीज हैं ए और बी, क्लियर, दो बॉडीज हैं ए और बी, ठीक है। इस बॉडी पर जो चार्ज था मेरा 10 कूलम है, ठीक है, इस बॉडी पर मेरा जो चार्ज है वो मेरा 50 कूलम मान लेते हैं, ठीक है, फल मैंने अगले देखा कि इस पर जो चार्ज था मेरा 60 कूलम है, कितना है सॉरी 30 कूलम, तो बताओ इस बॉडी पर कितना चार्ज होगा। अगर मान लो कि इस बॉडी पर मेरा 20 कूलम चार्ज है तो मेरा इस बॉडी पर चार्ज कितना होगा। तो यहाँ समझिए कि कंजर्वेटिव चार्ज मतलब आपको पता है कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है कि इस ब्रह्मांड की पूरी शक्तियाँ यानी पूरी एनर्जी क्या है बिल्कुल कॉन्स्टेंट है। जैसे आपको समझाते हैं कि मान लीजिए हम खाना खाते हैं तो हमने खाना कुत्ते को दे दिया, डॉग जो है अब डॉग ने वो खाना खा लिया, अब एनर्जी किस पर ट्रांसफर हुई डॉग पर, अब डॉग भागते भागते सड़क पर जा रहा था और कोई उसे मार के चला गया और जैसे ही कुत्ता मर गया चील आई और चील ने उसे खाना स्टार्ट कर दिया, तो एनर्जी कहाँ ट्रांसफर हुई चील पर। जैसे ही चील उड़ी कहीं मान लो कि किसी तार पर जाके बैठ गई और वहाँ पर जल गई और उसका धुआं बन के ऊपर उड़ गया, तो उसका जो धुआं बना और बारिश हुई तो जैसे जस्ट लाइक एसिड रेन, जैसे एसिड रेन उससे क्या घास हुई, घास किसने खाई गाय ने, एनर्जी किस पर ट्रांसफर हो गई गाय पर, और गाय का दूध किसने पिया हमने, तो एनर्जी क्या हो रही है हमें ट्रांसफर हो रही है। यानी कहते हैं ना कि जब कहते हैं कि विष्णु भगवान ने कृष्ण भगवान को उपदेश देते हुए कि आत्मा ना तो मरती है ना ही जन्म लेती है, बस एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, यही बात
फिजिक्स में एक बाबा ने ये बोल दिया कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर अ डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ट्रांसफर्ड वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो यही बात यही जो गीता में लिखी हुई बात यही बताना चाह रहा हूँ कि कंजर्वेटिव चार्ज है, चार्ज को हम अगर जोड़ भी लें उसे सेपरेट भी करें तो उसके चार्ज में कोई चीज नहीं आएगा, जैसी कॉन्स्टेंट वैल्यू है जो कॉन्स्टेंट चार्ज है वही रहेगा। जैसे मैं बात करूँ इस बॉडी पर 10 था, इस पर 50, टोटल मिला के कितना हो गया 60 कूलम। जब मेरी इस बॉडी की बात आई तो इसमें 30 मेरे इसमें कितना होगा भाई, मुझे 60 करना है, 30 तो है, 30 पूरा इसमें भी। जब मेरी इन दोनों बॉडी में 60 का मेरे इसमें 20 आ गया तो मुझे इस पर कितनी चाहिए 40, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए 60 बेटा, कितना होना चाहिए 60। क्लियर कंजर्वेटिव चार्ज, किसी भी बॉडी की अगर चार्जों को इकट्ठा किया जाए या सेपरेट किया जाए उन बॉडी का जो चार्ज कैसा होना चाहिए विल बी कॉन्स्टेंट, विल बी कॉन्स्टेंट। क्लियर बच्चा, यहाँ तक क्लियर? किसी भी बॉडी के दो या दो या तीन से ज्यादा बॉडी के चार्ज इकट्ठा कर दिया जाए उनको फिर सेपरेट किया जाए तो चार्ज वही रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। क्लियर यहाँ तक बेटा? आगे चलते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी क्लियर कंजर्वेटिव चार्ज की, ठीक है। इसके बाद देखें आगे कंजर्वेटिव चार्ज में इतना बताने के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। एक क्वेश्चन है कि एक बॉडी है, मान लो तीन बॉडी है मेरे पास और तीनों बॉडी में इसमें 10 है, इसमें 30 है, इसमें 40 है। अगर इस वाली बॉडी में मेरे 50 है, इस वाली बॉडी में 5 है, तो इस वाली बॉडी में कितना चार्ज होगा बताइए जल्दी से। देख इसका निकालेंगे हमारा टोटल कितना हो गया 10, 30, 40, 40, 40, 80। अरे यह बात करो 55 तो है, 85 में से 55 गए तो कितना बचे, 80 में से 55 गए तो कितना बचा, कितना बचा बेटा 25, कितना 25, कितना 25। तो टोटल मिला के कितना हो गया इसका 80 मिला। क्लियर आता है? किसी भी बॉडी के सेल चार्ज को अगर कलेक्ट किया जाए फिर उसके बाद में सेपरेट किया जाए चार्ज क्या रहेगा विल बी कॉन्स्टेंट। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्लियर बेटा? इसके बाद सेकेंड थर्ड प्रॉपर्टी आपकी, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है आपकी इंडक्शन ऑफ चार्ज। कोई बता सकते हैं इंडक्शन ऑफ चार्ज क्या होता है? तो समझाते हैं इंडक्शन ऑफ चार्ज होता क्या है। कि कोई भी बॉडी, मान लो किसी बॉडी पर कोई बॉडी है और किसी बॉडी को बिना किसी अदर बॉडी से टच कराए उसके चार्जों को ट्रांसफर करना ही इंडक्शन ऑफ चार्ज होता है। दोबारा सुन लीजिए, कोई बॉडी है मेरे पास, उस बॉडी को विदाउट फिजिकल टच कराए उसके चार्जों को ट्रांसफर करना ही क्या कहलाता है हमारा इंडक्शन ऑफ चार्ज। जैसे समझाता हूँ, जैसे एग्जांपल में समझते हैं। देखिए अगर मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है, मान लीजिए न्यूट्रल है मेरे पास, ओनली न्यूट्रल की बात बोले तो जैसे कि मेरे पास अगर 10 पॉजिटिव है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और 10 में नेगेटिव 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 नेगेटिव यानी न्यूट्रल होगा भाई, 10 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव यानी न्यूट्रल। अगर एक और बॉडी ले ली मैंने और इस बॉडी में मैंने देखा कि जब मैं इसके पास में एक छड़ ले गया यानी रॉड ले गया जिस पर नेगेटिव चार्ज है, क्या है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो मुझे देखने को मिलेगा कि मेरे जो नेगेटिव रॉड जब इसके पास ले गया तो मेरे जो पॉजिटिव चार्ज थे वो इसके सर्फेस पे आ जाएंगे। अब क्यों आ जाएंगे कोई बता सकता है ना, क्यों आ जाएंगे? और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, क्यों आ जाएंगे? क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि अनलाइक चार्जेस क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, क्या होंगे अट्रैक्ट। अब ये बताया था तो मेरे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। जब अट्रैक्ट हो गया कि मेरे पॉजिटिव इस सरफेस पर आ गए, नेगेटिव बाई रिपेल हो गए यानी वो इस सरफेस पर आ गए, तब मैंने क्या किया, फिर मैंने अगली बॉडी दोबारा बनाई और इस दोबारा बॉडी में मैंने क्या किया इस पर इस तरीके से मेरे पॉजिटिव सरफेस पे तो है ही है और मेरे पास क्या है मेरे विदाउट टच कराए किसी विदाउट फिजिकल टच कराए मैंने क्या किया इसको यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज थे मैंने इसे यहाँ से अर्थ से कनेक्ट कर दिया। जब अर्थ से कनेक्ट किया तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे यहाँ से निकल जाएंगे। एक क्वेश्चन आया था पिछली बार, बताइए जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते तो इसका यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, तो ध्यान रखना यहाँ पोटेंशियल क्या होगा जीरो होगा क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स
अर्थ में चले गए, जमीन में चले गए, तो यहाँ पे क्या अगली बॉडी देखी जाएगी, तो अगली बॉडी में क्या होगी, विल बी पॉजिटिव चार्ज, सारा पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा बस। तो समझ गए, यहाँ पे भी टच कराया किसी बॉडी को, नहीं कराया, तो याद रखना किसी बॉडी में से विदाउट फिजिकल टच कराए उस चार्ज को ट्रांसफर करना ही क्या कहलाता है, इंडक्शन ऑफ चार्ज। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, फिर यहाँ लिख देता हूँ मैं थोड़ा यहाँ पे, whenever the charges separate and moving without any physical touch is said to be induction of charge। क्लियर है ना, इंडक्शन ऑफ चार्ज क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अब बात करते हैं, आपकी आपकी तीन प्रॉपर्टी करा दी है मैंने, अब फोर्थ प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। ठीक है, याद रखिए इसे, या एक एक चीज नोट्स अपने ध्यान रखें और आपको नोट्स प्रोवाइड करा दी जाएंगी, देखते हैं। इसके बाद आगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करें। देख, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, मान समझा, देख कोई प्लेट है और इस प्लेट पर मैंने एक इलेक्ट्रॉन रख दिया। अगर मैं कहूँ कि इस प्लेट पर चार्ज कितना होगा, अगर मैं किसी प्लेट पर एक इलेक्ट्रॉन रख देता हूँ तो इस प्लेट पर चार्ज कितना होगा बताओगे, तो आप बोलोगे 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। क्लियर, अगर मैं कहूँ कि एक प्रोटॉन रखे तो तुमने क्या बोलोगे सर, इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव और प्रोटॉन पे पॉजिटिव। ऐसे जो नेगेटिव और पॉजिटिव का बिहेव करते हैं उन्हें बोला जाता है प्राइमरी चार्ज। प्राइमरी चार्ज क्या बोला जाता है, प्राइमरी चार्ज। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने भाई अभी से बोला कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन लगा तो आपने बोले एक इलेक्ट्रॉन, अब आपने इसमें दो इलेक्ट्रॉन रखे, मान मैं इस प्लेट में दो इलेक्ट्रॉन रखता हूँ तो आप बोलोगे दो इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसमें तीन इलेक्ट्रॉन रखता हूँ तो मान लीजिए आपने रख दिया मैंने तीन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे मैंने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रखे और मैंने लास्ट में देखा कि मैंने यहाँ एन रखे और एन, यहीं से आपकी पहली बुक का पहला फॉर्मूला क्यू इज इक्वल टू एन, यानी आपने 12th क्लास का फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ से था क्यू इज इक्वल टू एन। ठीक है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट की बात करूँ तो जो एसआई यूनिट होती है वो इसकी क्या होती है, कूलम होती है, कूलम। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम। अगर इसमें एक और चीज़ याद रखें, एक और चीज़, इसकी डायमेंशन पूछा जाता है, डायमेंशन, तो डायमेंशनल की बात करें, डायमेंशन की बात करें तो याद रखें क्यू का फॉर्मूला होता है, क्यू इज इक्वल टू आई टी फॉर्मूला होता है, 10th क्लास में पढ़ा होगा, क्यू का क्यू, आई का डायमेंशन क्या था ए और टी का क्या था ए टी, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी ए टी। तो डायमेंशन बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट, यहाँ तक आपका पूरा चार्ज क्लियर हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट कराते हैं, रफ कर देते हैं इसे, कूलॉम लॉ। आपके जो भी चार्ज के बारे में स्टडी कर रहे हैं ना, वो चार्ज डायनेमिक नहीं होता, डायनेमिक मतलब मोशन में। हम जो चार्ज की स्टडी करते हैं तो ध्यान रखना किसमें करते हैं, स्टैटिक में, किसमें, स्टैटिक में। और अगर कूलॉम्स लॉ की बात करें तो ये महाराज बस ओनली कहते हैं मुझे वैक्यूम चाहिए, यानी वैक्यूम में ही एप्लीकेबल है ये बस। अगर कोई भी मीडियम या कोई भी और कोई भी अगर किसी चीज़ की मीडियम की बात करें तो वो वैक्यूम में होनी चाहिए, किसमें होनी चाहिए, वैक्यूम में। जैसे समझाएं कि दो, मान लो मेरे पास दो पोल है और इस पोल पर मेरा क्यू है और इस पोल पर मेरा क्यू नॉट चार्ज है। ठीक है, इसकी डिस्टेंस मान लेता हूँ मेरी आर स्क्वायर, ठीक है,
तो यहाँ पर मेरा लॉ कहता है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा, जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस से। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए कि इन दोनों के बीच में दो चार्जेस हैं और दोनों चार्जेसों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी होगा और रिपल्शन फोर्स भी होगा। इन दोनों चार्जेस के बीच जो फोर्स देखने को मिलेगा तो वो कह सकते हैं फोर्स मेरा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस एट दैट सिचुएशन फर्स्ट कह सकता हूँ। यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ मेरा जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस दैट सिचुएशन सेकंड। क्लियर, जब मैं सेल सॉल्व करूंगा सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करूंगा तो एफ का एफ डायरेक्टली का निशान और इसका इससे मल्टीप्लाई क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर आता, जब ये साइन हटा तो यहाँ पर के कॉन्स्टेंट आ गया क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका कूलम्ब लॉ का फॉर्मूला है जहाँ पर कह सकते हो के इक्वल टू कूलम्ब कॉन्स्टेंट। कूलम्ब क्या है, कूलम्ब कॉन्स्टेंट। के इक्वल टू क्या है, कूलम्ब कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसकी कूलम्ब कॉन्स्टेंट की यहाँ पर बात करें, देखें अगर कूलम्ब कॉन्स्टेंट की बात करें तो कूलम्ब कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू होती है, के की वैल्यू जो होती है वो 1/4πε0 के बराबर भी होती है और इसकी वैल्यू हम 9×10⁻¹ के बराबर होता है। ठीक है, बात आती है के की यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट की बात करें कूलम्ब कॉन्स्टेंट, यूनिट ऑफ कूलम्ब कॉन्स्टेंट, कूलम्ब कॉन्स्टेंट, ये कूलम्ब कॉन्स्टेंट की यूनिट पूछ लेता है। तो घबराने वाली बात देखो के की तो पूछ लिया, इसका से मल्टीप्लाई कर दो एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट, इसे डिवाइड दे दो एफ आर स्क्वायर और क्यू क्यू नॉट इज इक्वल टू के। तो एफ की क्या होगी न्यूटन, आर की क्या होगी मीटर स्क्वायर और इसका क्या होगा कूलम्ब स्क्वायर। तो के की क्या होगी यूनिट आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। एक एक नंबर क्वेश्चन आते रहते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, यहाँ से के की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से एक चीज हो कि अगर मैं के की वैल्यू मेरी क्या है 1/4πε0, अगर मैं के की वैल्यू से यहाँ तो मैं यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, अगर मैं के की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर तो है ही, मैंने के की वैल्यू रख दी बस यहाँ। मुझे क्या है, मुझे अगर एप्सिलॉन की एप्सिलॉन निकालना तो मैं कहूँगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/4πε एफ यहाँ जाएगा एप्सिलॉन यहाँ, तो एफ क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये तो कॉन्स्टेंट है, छोड़ दो एप्सिलॉन, इसकी यूनिट क्या होगी कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन की यूनिट आ गई। और इसकी वैल्यू याद रखें, इसकी वैल्यू थी 8.85 मतलब ये है कि ऐसा कोई स्पेस जहाँ पर बिल्कुल फ्री हो, फ्री स्पेस यानी मीडियम जहाँ पर कोई भी रोकने वाला जैसे कोई पार्टिकल ना हो, यानी फ्री स्पेस हो, उस फ्री स्पेस को यानी बोले तो वैक्यूम, वैक्यूम तो वो खाली ही खाली कैसे होता है एप्सिलॉन। क्लियर है आपका, कोई डाउट? और हाँ, इसकी डायमेंशन भी पूछा रहता है एप्सिलॉन नॉट की, वो डायमेंशन में आपको यही करके दिखा देता हूँ, मैं इसे रफ कर देता हूँ आपसे। लास्ट डायमेंशन डायमेंशन अगर मैं एप्सिलॉन नॉट की बात करूँ तो मेरा जो ये है एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला यहाँ से ही याद किससे लिख देता हूँ क्यू क्यू नॉट अपॉन एफ आर स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन क्यू का भी मैंने बताया क्यू का क्या आया था 80 और क्यू का यहाँ पे भी क्या आया 80। ठीक है, एफ का याद रखना मान थी एम एल टी माइनस टू, आर की क्या थे एल स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट ए से ए टू टी टू और m l टू एल एल थ्री और t माइनस टू, जब ऊपर ले जाऊँ पावर तो यहाँ पर आ जाएगा m माइनस वन एल माइनस थ्री ए टू तो है और t ऊपर ले जाओ टी की पावर 4, ये आपका डायमेंशन आ गया एप्सिलॉन का। और हाँ, हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले।
और ज़्यादा से ज़्यादा मोर से मोर ज़्यादा शेयर करें, और आपकी वीडियो का परफॉर्मेंस हमारे अच्छा आ रहा है, तो आप ऐसे ही हमारे कृपा रखते हुए। धन्यवाद।